अब देखें, बेटा रे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पी बाय एच को क्या लिखेंगे, पी बाय एच को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। एच बाय बी को क्या लिखेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। बेटा रे सेक थीटा इक्वल टू क्या हमने बताया है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 1 बाय cos थीटा बताया है? यस। हाँ या ना? 1 into sin theta into 1 कितना आ जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं? यस सर। लिख लीजिए। बढ़ो आगे। सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा, आपने देखा क्या? हाँ देखा। वो क्वेश्चन जो भेजा है उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपको याद कराया हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन 540 होता है। चलिए रफ करो। सो यस सर, फाइनली हमने क्या देखा बेटा कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। लिख लीजिए। हो गए। क्या मैं आगे बढूं? हाँ सर। यस सर। आगे देखिए, अब थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, बोलिए। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन पर। बेटा रे देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? yes, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच। कोई दिक्कत? इसका वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा। और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोई दिक्कत? बेटा रे कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन थीटा, वन इनटू कॉस थीटा इनटू वन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। किसके घर में भाई बर्तन टूट रहा है? बढ़ो आगे बेटा। दो मिनट। यस सर। हाँ सर। क्या मैं रफ करूं? हाँ सर। दो। हाँ बेटा। सर। बेटा। सर इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, मतलब ऐसा कॉट थीटा इज इक्वल टू अगर बी बाय पी दिया है
तो मतलब 1/tan θ हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, तो उसका ही 1/tan थीटा तो cos थीटा बाय sin, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, एकदम सही बोले, वो भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। कुछ क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखे तो, इफ इफ कॉस थीटा इक्वल टू 8/17, ओ सॉरी नहीं दिख रहा है ना, इफ कॉस थीटा इक्वल टू 8/17 find 5 trigonometrical functions, find 5 trigonometrical functions, जल्दी बनाइए, find 5 trigonometrical functions, बन जाएगा। यहाँ बेस कितना है बेटा? 8। हाइपोटेनस कितना 8. है 17. अब क्या निकालना है पहला चीज? परपेंडिकुलर। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस, अब हमें P स्क्वायर निकालना है तो यह इधर आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। क्या सभी लोग क्लियर हैं? यस सर। सो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस, सो पी इक्वल टू क्लियर, एच कितना दिया है बेटा? एच कितना दिया है? 17। बी कितना दिया है? 8। 17 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा? 289। 289। और 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। अच्छा हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? 389 है ना 17 का स्क्वायर? 389 है क्या? नो सर, 289। 289 आएगा, देख लीजिए मैं करके दिखाऊं। नो सर 289 है सर, मैं करके दिखाऊं। 289 है सर। 17 का स्क्वायर करके दिखाऊं? नो सर, हो गया। चलिए कितना आ जाएगा बेटा? 9 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 8 में से 6 जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट करना आता है? यस सर, 15 मींस परपेंडिकुलर निकल गया। क्या लिख लिए आप? Yes, अब आपको परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया, हाइपोटेनस पता हो गया, क्या आप सभी निकाल लोगे या मैं निकाल दूं? निकाल दूं। मैं निकाल दूं टोटल
निकाल लिया सर, हो गया। गुड, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढूं? यस सर। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। इसका भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है यार, साइलेंस करना भाई। आए क्या बेटा? बायोलॉजी का क्लास है सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ आप बना लेना। कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट टेन, फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ओके सर, हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू थ्री बाई फोर, थ्री बाई फाइव फाइंड अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सर ये भी पढ़ने क्या बेटा? योला दोनों बनाकर होमवर्क रहेगा, आप कल मुलाकात होगी अपनी, ध्यान रहे संडे को छुट्टी रहेगी। नहीं ए बैच रहेगा कल, ए और ट्वेल्व का दो बैच रखूंगा, फाउंडेशन का बैच नहीं रहता है। टेंथ का और ट्वेल्व का दो बैच रहेगा सैटरडे को, फाउंडेशन का बैच। क्या 7 पीएम का क्लास है ना? हाँ है ना भाई, बायो का होगा ना। तो भेज दीजिए लिंक। मैं नहीं भेजूंगा, मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ बायो। मैं लिंक आ गया होगा आपके ग्रुप में। चलो बायडा। अच्छा समझ में आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्चाई के साथ बोलो। क्या बेटा आप सभी को समझ में आ रहा है क्लियरली? क्या आप सभी बच्चे को क्लियरली समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना, हाँ या ना। हाँ सर। चल बैडा, कल मुलाकात हो। यस सर। बैडा 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 बैडा।